गाइस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स एंड फोर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। ये लाइफ साइंसेज के पेपर हैं, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन, इसके सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में डेफिनेशन है, सेकंड में मैचिंग है, और थर्ड में जो होता है फिलअप्स होता है। और ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है हर एक स्टूडेंट को अटैम्प्ट करना। फर्स्ट जो है जैसे डिफाइन, इसमें क्या क्या है, प्रोटोस्टील क्या होता है, लिक्यूल क्या है, थर्ड कैपिटुलम इसे डिफाइन करना है, फोर्थ स्पोरोकार्प, फिफ्थ कारिनल केनाल, सिक्स प्रोटोनेमा एंड सेवन्थ लिंट। अब सेकंड में क्या है, मैचिंग। तो फर्स्ट कारियोप्सिस क्या होता है, सिनोसेरस क्या है, पैलिसेड पेरेंटाइमा मैच करना है ये हमें, फोर्थ कंपाउंड एम्बल एंड फिफ्थ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। सी में है फिलिप्स। फिलिप्स में इक्विसिटम इज कॉमनली नोन एज डैश, ब्लू ग्रीन एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन डैश, टॉप शेप्ड स्पायरल फ्लैजेलेट माइक्रोस्पोर इज फाउंड इन डैश, टेक्टोना ग्रैंडिस बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डैश, फिफ्थ लैमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डैश। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ करना है वेल लेबल डाइग्राम। फर्स्ट में है टी एस निडल ऑफ पाइनस, सेकेंड वी एस लीफलेट ऑफ साइकस, सी वी एस ऑफ आइसो बाइलेट्रल लीफ, डी एल एस स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया एंड ई टी एस स्टेम ऑफ सेडियला। थर्ड क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट। थ्री अटैम्प्ट करने हैं हम, फाइव जो हैं वो ऑप्शन में है। फर्स्ट क्या है, एम्फीबियन नेचर ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है, बी कॉलेनकाइमा क्या होता है, सी इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी, डी साइकस एज अ लिविंग फॉइसर, ई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वीट। क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन, थ्री अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बी एपोगैमी एंड एपोस्पेरी में डिफ्रेंशिएट करना है, सी प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, डी मेल कोन ऑफ साइकस एंड फीमेल, ई लेटर्स ऑफ मेरिन वो मार्केंशिया एंड इक्विसिटम। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके सब पार्ट्स हैं, ए और बी दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, अगर उसके पार्ट्स हैं दोनों एक साथ अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। डिस्कस बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्कस व्हाई इट इज़ स्टिल यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बी एक्सपेंड करना है दो को, ठीक है, सी कमेंट ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डी गिव बोटैनिकल नेम्स एंड यूजेस ऑफ राइस एंड जू। डिफाइन सेकेंड क्वेश्चन पेपर है डिफाइन, उसमें फर्स्ट सिलिकॉइड क्या होता है, सेकेंड पेरिस्टोम, थर्ड एक्स्ट्रा ज़ाइलेरी फाइबर, फोर्थ डिक्टोस्टेल, फिफ्थ इलेटर्स, सिक्स सोरी एंड सेवन्थ स्पर। इसमें मैचिंग है, फिर कंपेनियन सेल्स, सेकेंड चिलगोजा, थर्ड ग्लोसोपोडियम, फोर्थ क्लोरॉइड रूट, फिफ्थ टेनिन। इसका थर्ड पार्ट है सी, दैट इज़ फिलिप्स। लीफी मेगा स्पोरोफाइल इज प्रेजेंट इन डैश, रफ अपीयरेंस ऑफ इक्विसिटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश, थर्ड जाइलम इज अ डैश, फोर्थ रे फ्लोरेट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश, फिफ्थ पैलेला इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश। सेकेंड क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन, एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन मोनोकॉट और डाइकॉट डिफरेंस रूट में, मेल कोन ऑफ साइकस एंड पाइनस, सी स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, डी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड है ड्रॉ वेल लेबल डाइग्राम, अटैम्प्ट करने हैं थ्री, ए एल एस जेमकॉफ ऑफ मार्केंशिया, बी टी एस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, सी एल एस ओव्यूल ऑफ साइकस, डी वी एस लीफलेट ऑफ पेट्रिस शोइंग सोरस, ई एल एस कैप्स्यूल ऑफ फ्यूनेरिया। फोर्थ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा, बी ज़ेरोफाइटिक अडेप्टेशन ऑफ इक्विसिटम, सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया, डी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रोल्फिया एंड ग्राम, ई लॉन्ग एंड टफ शूट्स इन पाइनस। फिफ्थ क्वेश्चन के थ्री पार्ट्स हैं,
discuss merits, demerits of Bentham and Hooker's system of classification. B. Describe the floral characters of Poaceae and Asteraceae. Write botanical name, part used and economic importance of groundnut and linseed. ये तीनों जो हैं 5-5 मार्क्स के हैं, मतलब इन टोटल ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है. तो उसी तरीके से हमें ये अटैम्प्ट करना होता है. क्वेश्चन 6 के दो पार्ट्स हैं. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये अगेन 5 मार्क्स का है. बी डिस्कस स्पोरो स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर इन स्लेजिनेला, अगेन ये 5 मार्क्स का है. थर्ड क्वेश्चन पेपर है, इसमें फर्स्ट अगेन डिफाइन स्पोरोफिल रेसीम और डिक्टोस्टील ट्रांसफ्यूजन टिश्यू तो ओलंपिया एंड 6 पेरिस्टोम. फिर मैचिंग है मार्केंशिया कैपिटुलम हॉर्स टेल. सोर्स ऑफ सागो क्या है. 5th रिसर्शन प्लांट्स क्या होते हैं. सी में फिलिप्स कॉटन बिलोंग्स टू फैमिली डैश. 2nd वर्टिलेस्टर इन फ्लोरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली डैश. डैश एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम रुवल्फिया. 4th राइजोफोर इज फाउंड इन डैश. 5th लाइगुलेट एंड अपेंडिकुलेट सेल आर फाउंड इन डैश. 2nd शॉर्ट नोट्स हैं. 1st में लैंड हैबिटेट इन ब्रायोफाइट्स. 2nd स्लेरेन्काइमा. 3rd एम्ब्रियोजिनी इन पाइनस. 4th प्रोथैलिस इन पेट्रिस. 3rd वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, अगेन ये 15 मार्क्स है. 3 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं. 1st टी एस मोनोक्वाड स्टेम. 2nd टी एस रेकेस ऑफ पेट्रिस. 3rd टी एस इंटरनोड ऑफ इक्विसिटम. 4th पी एस थैलिस मार्केंशिया पासिंग थ्रू डेमाकप्स. 5th टी एस साइकस लीफलेट. 4th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इकोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ इक्विसिटम स्टेम. बी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्लेजिनेला. सी मैंशन द बोटैनिकल नेम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जूट. 5th क्वेश्चन है, उस पर दो पार्ट्स हैं. डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बी राइट द मॉर्फोलॉजी ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लैक पेपर एंड इट्स यूजेस. एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेलर एवोल्यूशन इन टेरिडोफाइट्स. 6th क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन 1st नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 2nd स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशियन फिनेरिया. 3rd प्रोटोस्टील एंड शिफ्नोस्टील में डिफरेंस. 4th एपोगैमी एंड एपोस्पेरी. 5th ट्रू एंड फॉल्स इन इंड्यूसियम पेट्रिस. क्वेश्चन पेपर 4th इसमें डिफाइन किया है. 1st में ट्रैबिकली क्या होता है. 2nd सिनोसोरस. 3rd कैपिटुलम. 4th पेरिस्टोम. 5th ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. 6th एपी पेटलेंस. फिर मैचिंग है एग्जाइल प्रेजेंटेशन. 2nd स्लेजिलेनिया. 3rd पाइन फिनेरिया एंड कारियोप्सिस. सेम ही बोटानिकल नेम बताने हैं राइस के, ग्राउंडनट, फेनल, कॉफ़ी, कॉटन, मस्टर्ड. 2nd है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनी 3, अगेन 15 मार्क्स चाहिए. एलिस मार्केंशिया स्पोरोफाइटा. 2nd एलिस लेजिनेला स्ट्रोबिलस. 3rd वी एस टेरिस पेट्रिस स्पोरोफाइल. 4th टी एस साइक्रस क्लोरोइड रूट. 3rd शॉर्ट नोट्स. 1st में अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड. 2nd हेट्रोस्पोरी. 3rd स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसिटम. 4th साइक्रस ओव्यूल. 15 मार्क्स चाहिए. क्वेश्चन 4th में डिफ्रेंशिएट टॉलेनकाइमा स्लेरेन्काइमा नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 3rd ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स. 4th मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम. एंट्रोडियोफोर एंड आर्किगोनिया ऑफ मार्केंशिया. 6th माइक्रोस्पोरोफाइल ऑफ साइक्रस एंड पाइनस. क्वेश्चन 5th इसके 3 पार्ट्स हैं. डिस्कस द वाई बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सिस्टम. 2nd डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलानेसी एंड ब्रैसिकेसी. 3rd नेम पार्ट यूज्ड एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लैक पेपर एंड टीक. 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया. 2nd इक्विसिटम शोज जेरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स, कमेंट करना है इस पे. 3rd गिव एन अकाउंट ऑफ जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. अब ये क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस होंगे वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, ये दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं. 1st क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है. तो 1st गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 4.
first derived, second composite database, third enzyme database, fourth disease database, fifth microarray database, sixth literature database और seventh chemical database. फिर expand करना है इसमें DDBJ, PDB, CAG, NMR, STS, फिर TOPS, PIR, INSTC, GSS, Metapsychic, Metabolic, Encyclopedia. सेकेंड में है शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री, 15 मार्क्स के हैं. सिक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम SRS, स्विसपोर्ट, थर्ड ब्लास्ट, फोर्थ DDBJ, फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस, थर्ड कमेंट ऑन द फॉलोइंग रोल ऑफ NCBI इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सेकेंड स्पाइडे, थर्ड फंक्शंस ऑफ लिब्रा, डी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ PIR, EPCR. क्वेश्चन फोर्थ में डिफ्रेंशिएट करना है एनी टू, फर्स्ट बैंकेट एंड वेबिन, सेकेंड प्राइमरी डाटाबेस एंड सेकेंडरी डाटाबेस, थर्ड यूनीजीन एंड होमोलोजीन. फिर रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन थर्ड फिफ्थ है सॉरी, रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये 9 मार्क्स का है. फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी थ्री, एक जो है वो 2 मार्क्स का है. स्मिथ, वाटरमैन एंड निडलमैन वेंस अल्गोरिथम, पैरागोलस एंड एक्सोनोलॉगस सिक्वेंस, होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी, प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट. क्वेश्चन अगेन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट इन सिक्वेंस अलाइनमेंट में, स्टार, डॉट और कॉलन. अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसमें फर्स्ट व्हाट इज ब्लॉसम मैट्रिक्स से होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉसम मैट्रिक्स, सी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉसम मैट्रिक्स इन सिक्वेंस अलाइनमेंट, डी व्हेन वुड यू यूज ब्लॉसम 45 एंड ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स इन सिक्वेंस अलाइनमेंट एंड व्हाई. क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन फाइलोजेनेटिक ट्री, व्हाट इज द डिस्टेंस बेस्ड मेथड ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन, हाउ यू PGMA is different from neighbors joining method of tree construction. D. ये एक डायग्राम है, इस तो देख के आपको आंसर करना है. Which of the extra forms phylogenetic clad? Why it is called the monophyletic clad? Which is the most recent common ancestor of taxa? B. C. B. D. And E. Fourth question, bioinformatics is an elimination of different fields. Justify the statement. Discuss the role of bioinformatics in the field of agriculture or medicine. क्वेश्चन फिफ्थ में शॉर्ट नोट्स एनी थ्री अटैम्प्ट करनी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड, माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन, फोर्थ मॉलिक्यूलर मार्कर्स. क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेन एनी 5 टर्म्स, बायोलॉजिकल डाटाबेस, सेकंड प्रोसाइड, थर्ड मास सबमिशन सिस्टम, फोर्थ डाटा क्यूरेशन, फिफ्थ पबकैम, सिक्स EPCR, सेवन्थ क्वेरी. एक्सपेंड करना है इसमें HTG, सेकेंड NDB, थर्ड MMDB, फोर्थ CAT, फिफ्थ DB, SNP, सिक्स GEO, सेवन्थ EST, एट्थ Libra. सेकेंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट एनी थ्री, फर्स्ट स्विसपोर्ट, सेकेंड एंट्रेस, थर्ड यूनिरेफ, फोर्थ सिक्विन, फाइव फिफ्थ फीचर्स ऑफ द PIR. क्वेश्चन थर्ड, what is blast, name and define different types of standard blast, b differentiate between webbing, bankit and second unigene and homologene, third protein database and nucleotide database, digital database, b what is embl or discuss organization of database at embl. Section b, fifth question, define clad motifs, third orthologs, fourth nodes, fifth capenarity. Second में differentiate between first local sequence alignment and global sequence alignment, second phylogeny and cladogram, third rooted phylogenetic tree and unrooted phylogenetic tree. Expand करना है OTU, second CAD, third phylip, fourth UPGMA, fifth ORF, sixth QSAR. Question 6, what is scoring matrix, the author differentiate between the PAM and blossom matrices, outline the uses of multiple sequence alignment. क्वेश्चन सेवन्थ, एक्सप्लेन द टर्म मॉलिकुलर फाइलोजेनी, बी में मेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, व्हाट इज मैक्सिमम पेरिसोमनी प्रिंसिपल इन फाइलोजेनी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड. जनरेट गिवन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन क्रॉप इंप्रूवमेंट. क्वेश्चन 9, शॉर्ट नोट्स, क्लस्टर W, बी सॉफ्टवेयर
for phylogenetic analysis, C. in silico, drug design, D. bioinformatic analysis of microbial gene. Paper 3rd to 1st question, expand Miami, 2nd search, chemical, EBI, 4th GEO, 5th PMC, 6th NBRF, define Tenofovir sakura, megablast, PubMed, Sequin, BabIt, comparative genomics and RefSeq. फिर डिफरेंशिएट है एनी थ्री कंपोजिट सेकेंडरी डाटाबेस एंट्रीज SRS मेटाबॉलिक पाथवे एंड डिजीज पर डाटाबेस फोर्थ में PSI ब्लास्ट एंड RPS ब्लास्ट एंड हाउ डू यू डिफाइन बायोलॉजिकल डाटाबेस डिस्कस इट्स वेरियस फीचर सेकेंड व्हाट इज स्विस प्रोट डिस्कस साइलेंस फीचर क्वेश्चन थर्ड शॉर्ट नोट एनी फाइव पे लिब्रा यूनिपोर्ट एन STC MMDB ट्रे MBI Four classify the biological database on the basis of the data source and data type. What is the scope for bioinformatics and biological research? Question C. How many divisions of nucleotide sequences are present in NCBI and MPIL, respectively? What purpose do you serve? Question B. Expand CANAP, PAM, DPA, 3rd MSA, 4th GA, 5th SAR, 6th HGP, 7th UPGMA. Differentiate CANAP, phylogram and cladogram to identity and similarity. 3rd UPGMA and NGO. For defined turn 3 motif bootstrap phylogeny genomics. Question 2nd distinguish between local and global sequence alignment. B. What do you understand by the heuristic method of sequence alignment? Briefly state advantages and disadvantages of heuristic method of sequence alignment. Question 3rd the A part what are different scoring matrices? B. Do you need different scoring matrices for alignment of nucleotides and amino acid sequence? Give reasons to justify your answer. Doubt best alignment for given two nucleotide sequence. Question 4th, what is the difference between the cladistic and phenotypic methods of phylogeny? The distance-based method closest to maximum perisomy method in approach. C. Discuss the phenotypic methods of phylogeny in detail. Dot not PAMPE, PhyLIP and QSAR. Question paper, first question we are matching Atlas of protein sequence and structures. Second GenBank, 3rd Procyte, 4th OWL, 5th HSPSE, 6th TH-Search, 7th SRS, 8th sequence of insulin, 9th emotive, 10th OMIM. What is expanded by EBI, 2nd PDPA, 3rd CDD, 4th NRDB, 5th EST, 6th GSS, 7th SNP, 8th Triambl, 9th STS, 10th NST. Second mix spent on a ref set to a second composite database, 3rd gene expression min omnibus, 4th spider, 5th bandit. We discussed on a different types of blast, B differentiate on a Wavin set in me, unigene and homologene, primary database and drive database. Question 4th, what is DD, BJ, give detailed account of various types of DD, BJ, what is significance of SRS in bioinformatics? Question B. First question defined an E value, second monophyletic lad, 3rd molecular marker, 4th indels, 5th bootstrap. Question B. Fair difference between any three attempt and first may linear and affine gap penalty, second orthologous and paralogous sequence, 3rd dendrogram and phylogram, 4th synonymous and non synonymous substitution. C. Expand an PAUP, second DPA, 3rd BLAST, 4th QSAR, 5th CINEMA. Question 2nd, what is PAM matrix? B. What is the principle of PAM1 matrix? C. Discuss advantages and disadvantages of PAM matrix and sequence alignment. D. When would you use PAM40 and PAM250 matrix in sequence alignment and why? Question 3rd, what are evolutionary and substitution models? Question B. Discuss Giudice, Cantor and Kimura substitution model. डायग्राम में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर करना है बोथ व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी हाउ बायोइनफॉर्मेटिक्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिजाइनिंग